नमस्कार, आप देख रहे हैं केकेआर न्यूज और आपके साथ मैं हूं आरती गहलोत। आइए शुरुआत करते हैं खबरों की। खबर है डबरा से, जहां पर मध्य प्रदेश में गेहूं खरीदी को लेकर कुछ नियमों में बदलाव किया गया है। अब किसान की फसल FCI के द्वारा खरीदी जाएगी। इसे लेकर के डबरा के किसानों में आक्रोश देखा गया और आक्रोशित किसान पहले SDM कार्यालय पहुंचे, जहां प्रदीप शर्मा ने नागरिक खाद्य आपूर्ति विभाग के अधिकारी से बात कर तुरंत समस्या का समाधान करने की बात कही है। वहीं पिछोर रोड पर स्थित गंगा गोदावरी यमुना वेयर हाउस पर खाद विभाग के अधिकारी एवं डबरा SDM और विधायक सुरेश राजे मौके पर पहुंचे, जहां उन्होंने किसानों से बातचीत की और उनकी समस्या का समाधान हेतु हल निकालने की बात कही है। खाद विभाग के अधिकारी चंद्रभान सिंह का कहना है कि किसानों को किसी भी प्रकार की समस्या नहीं आने देंगे। उनका जो भी अनाज है उसे पूरा खरीदा जाएगा और उसके लिए अलग से व्यवस्था की जाएगी। डबरा से अभिषेक राणा की रिपोर्ट। कर रहे हैं जो अभी लाए हैं, उनका कुछ समाधान निकाले हैं। अब हम पूरा एनालिसिस करेंगे, वहीं हम जा रहे हैं गोदामों पर, वहीं जा रहे हैं। समस्या हल्की तौल शुरू हो गई, किसी कारणवश दूसरे दिन तौल बंद हो गई, तीसरे दिन फिर चर्चा की, फिर उसका सोल्यूशन निकाला, कृष्णा में शिफ्ट कर दिया। लेकिन आज हालात ऐसे हो गए कि मेरे पास कृष्णा से फोन, श्रीराम से फोन, त्रिवेणी से फोन, ये सारे फोन गए ना। तो ऐसा नहीं है, देखो हर किसी को मैंने चर्चा की, चर्चा के बाद ही वो सारे काम छोड़ के, अभी उनका काम दूसरा है। 2 बजे से कोर्ट लगता है, कोर्ट में बैठना चाहिए, लेकिन वो आपकी समस्या के लिए यहाँ खड़े हैं। मुझे इसलिए आना पड़ा, मुझे समझ में आ गया। कृष्णा और श्रीराम और कौन कौन से, एक में भी दिक्कत नहीं आई, अधिकारियों से सुबह बात हुई, अधिकारियों ने कहा कि हम उस समस्या का समाधान करने मौके पे पहुंच रहे हैं, और मौके पे मेरे से पहले अधिकारी पहुंचे भी हैं। लेकिन जब मुझे ये जानकारी मिली कि उसका समाधान नहीं निकलते दिख रहा, फिर अकेला ये गंगा वेयर हाउस की बात नहीं है, अकेला गायत्री की बात नहीं है, अकेली गोदावरी की बात नहीं है, कृष्णा वेयर हाउस ले लो, श्रीराम ले लो, ठीक है ना, और इस तरह आश्वस्त ले लो, कई जगह की शिकायतें मिली। तो जब अधिकारी हैं मौके पे हैं तो उसका समाधान एक बार निकालना है, क्योंकि समय ज़्यादा नहीं है। तो इसलिए मैं यहाँ मौके पे हूँ, अधिकारियों के साथ चर्चा चल रही है, उसमें से क्या समाधान निकलेगा, आप भी यही हूँ, मेरे अन्नदाता भी यही है, और कोई ना कोई समाधान निकाल कर ही मैं यहाँ से जाऊँगा, आप बेफिक्र। हमारे चैनल में बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।